आजकल एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है जो बहुत तेजी से फैल रहा है। स्कैमर्स आपकी एक फोटो एडिट करते हैं गलत तरीके से, उनके पास आपके सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं और फिर वो आपको ब्लैकमेल करते हैं। आपको कहा जाता है कि अगर आप उनको पैसे सेंड नहीं करेंगे तो वो आपके वो फोटोज आपकी फैमिली को सेंड करेंगे, आपके रिलेटिव्स को सेंड करेंगे और आपके सारे कॉन्टैक्ट्स को सेंड करेंगे। ये मेरे दो फ्रेंड्स के साथ अभी हुआ है और स्कैमर्स ने उनसे 30,000 रुपये मांगे। जब उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उन्होंने उनके सारे फोटोज उनके फैमिली मेंबर्स को सेंड किए, उनके रिलेटिव्स को सेंड किए। ये किसी के साथ भी हो सकता है, आपकी कोई गलती नहीं होगी। वो आपकी फोटो लाएंगे कहीं से, उसको एडिट करेंगे और फिर आपको उसी पे ब्लैकमेल करेंगे। आजकल सबसे ज्यादा डर इसी चीज का होता है कि कहीं हमारी कोई फोटो या वीडियो वायरल ना हो सोशल मीडिया पे। अब अगर आपको कोई ब्लैकमेल करता है उस टाइम क्या करना है, हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स उनके पास कैसे होते हैं और इस चीज से कैसे बचना है, और ये जो वीडियोस और फोटोज आजकल वायरल होते हैं सोशल मीडिया पे, इस चीज के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें मुझे आपसे शेयर करनी है। इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। आज AI की हेल्प से कुछ भी हो सकता है और अगर आज हम चुप बैठे तो इस गन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा और बहुत सारे लोगों की लाइफ खराब हो जाएगी। तो प्लीज मेरी बातें केयरफुली सुन। अगर मेरे साथ कभी ऐसा होता है मैं स्कैमर को बाद में पकड़ूंगा, पहले उस बंदे को अंदर करवाऊंगा। और मेरी अपनी पुलिस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक एग्जांपल सेट करें। बस 3 बंदों को अंदर करना है। जब 3 बंदे अंदर हो जाएंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी आगे किसी की वीडियो ऐसे अपलोड करने की, किसी की जिंदगी खराब करने की। सबसे पहले हम इस स्कैम के बारे में बात करेंगे। आपके WhatsApp पे एक मैसेज आएगी, वो आपको बोलेंगे हमने गलती से आपके अकाउंट पे पैसे ट्रांसफर किए हैं, आप प्लीज वापस सेंड कर दीजिए। अब 2 केसेस हो सकते हैं, या तो आपके अकाउंट में एक भी पैसा नहीं आया होगा या आपके अकाउंट में सच में पैसे आए होंगे, और दोनों केसेस में वो आपको ब्लैकमेल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके अकाउंट में 2,000 रुपये आए होंगे वो आपसे 30,000 रुपये मांगेंगे, और अगर आपके अकाउंट में एक भी पैसा नहीं आया होगा तब भी वो आपसे 20,000 रुपये 30,000 रुपये मांगेंगे। और अगर आप उनसे आर्ग्यू करोगे तो वो आपको धमकी देंगे, वो आपको ब्लैकमेल करेंगे, वो आपके सारे कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट आपको सेंड करेंगे और मे बी आपके कॉल लॉग्स भी आपको सेंड करेंगे, और फिर आपकी एक एडिटेड फोटो जो उन्होंने गलत तरीके से एडिट की होगी वो आपको सेंड करेंगे और आपको बोलेंगे कि हम ये सारे कॉन्टैक्ट्स को सेंड करेंगे। बस यही हो रहा है और ये बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत सारे लोगों को मैसेजेस आ रही है। अब अगर आप इस सिचुएशन में फंसते हो मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, अगर आप डर गए तो वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, आपका डर ही उनकी जीत है। आपको उल्टा उनको यही से डराना है, उनको बोलना है जो करना है करो, मैंने आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की है। और फिर इससे पहले कि वो आपको रिप्लाई करे उनको ब्लॉक करना है, उनको बोलने का मौका नहीं देना है, बस इतना ही आपको करना है। अगर आप ये करते हो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उनके पास कोई पावर नहीं है। आई नो ये सुनने में बोलने में आसान लगता है। अब जिस बंदे को ये मैसेज आती है वो बहुत कुछ सोचता है, वो सोचता है कि मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स हैं इनके पास, मे बी इनके पास मेरी गैलरी के सारे फोटोज भी हो सकते हैं, ये उनको लीक कर सकते हैं। ये ख्यालात आपको दिल से निकालने हैं, आपको डरना नहीं है, बस आप उनको ब्लॉक करेंगे। उनके पास कोई पावर नहीं है, आपकी हेल्प के बगैर वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ढंग से उनकी फोटो एडिट नहीं हो पाती है। अगर उनके पास पावर होता तो वो आपको ब्लैकमेल क्यों करते, वो आपका अकाउंट खाली कर देते आपको पता नहीं चलता। उनको आपकी हेल्प की जरूरत है और जब तक आप यही से कुछ नहीं करते हो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उनके पास वो भी आपकी हेल्प से ही उनको मिले हैं। अब आप बोलेंगे हमने क्या किया, इसके बारे में अभी बात करेंगे। बस आप उन स्कैमर्स को ब्लॉक करेंगे और फिर WhatsApp पे स्टेटस पोस्ट करेंगे, अपनी फैमिली फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करेंगे कि ऐसा हुआ है, और उनसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि अगर उनको किसी दूसरे कंट्री कोड से जैसे +9488 से मैसेज आती है तो वो उस मैसेज को ओपन किए बगैर डिलीट करें। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको किसी अननोन नंबर से मैसेज या कॉल आती है और वो नंबर +91 के बगैर किसी और कोड से स्टार्ट होता है जैसे +94 +88 +97 etc, आप उस मैसेज को ओपन किए बगैर डिलीट करेंगे और उस नंबर को ब्लॉक करेंगे। या तो उस मैसेज में आपके किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड की एडिटेड फोटो होगी या आपकी एडिटेड फोटो होगी और वो आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। जब आप उनकी मैसेज ओपन ही नहीं करेंगे तो आपको ब्लैकमेल करेंगे कैसे, उनको बोलने का मौका ही नहीं देना है। और अगर हर कोई उनकी मैसेज ऐसे ही बना देखे डिलीट करता है और उनको ब्लॉक करता है, उनकी कमर टूट जाएगी, उनका ईगो हर्ट हो जाएगा और वो पूरी तरह से डिमोटिवेट हो जाएंगे। WhatsApp की एक सेटिंग भी आप ऑन कर सकते हो, सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद प्रिवेसी में जाना है, थोड़ा स्क्रॉल करना है, नीचे कॉल्स पे टैप करना है और यहाँ पे साइलेंस अननोन कॉलर्स को ऑन करना है। इससे जब भी कोई अननोन नंबर आपको WhatsApp पे कॉल करेगा ना ही आपको नोटिफिकेशन आएगी और ना ही आपको कॉल आएगी और आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। WhatsApp आई डोंट नो व्हाई एक प्राइवेसी ऑप्शन क्यों नहीं देता है कॉल्स के लिए, जैसे हु कैन कॉल यू माय कॉन्टैक्ट्स, इससे बहुत सारे लोग स्कैम से बच जाते हैं। खैर, अब अगर आपने गलती से उनकी मैसेज ओपन की और आप डर गए, वो आपके डर का फायदा उठाएंगे।
अगर एक भी रिक्वेस्ट आपने उनकी एक्सेप्ट की तो आपके पैसे खत्म होंगे लेकिन उनकी डिमांड्स खत्म नहीं होंगी, याद रखना। और अगर आपने उनको पैसे दिए तो उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा और वो और ज्यादा लोगों को फंसाएंगे। उनकी एक भी रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको ब्लॉक करेंगे, पुलिस में कंप्लेंट करेंगे और अपने सारे अकाउंट्स आप सिक्योर करेंगे, पासवर्ड चेंज करने हैं और कुछ भी नहीं करना है बस। अब हो सकता है वो आपके अकाउंट में सच में पहले कुछ पैसे डाले, आप उनको बोलेंगे इंडिया वाले नंबर से वॉइस कॉल करो और अपना अकाउंट नंबर दे दो, मे बी वो आपको कोई क्यूआर कोड या कोई लिंक सेंड करेंगे, आपको वो वाला मेथड एक्सेप्ट नहीं करना है। ये क्यूआर कोड स्कैम में दिल्ली चीफ मिनिस्टर केजरीवाल की बेटी भी स्कैम का शिकार हो चुकी है, जो मैंने इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप प्लीज देख लेना। अब अगर वो आपको इंडिया वाले नंबर से कॉल नहीं करते हैं और आपको अकाउंट नंबर सेंड नहीं करते हैं, आप पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, उनको ब्लॉक करेंगे और पैसे अपने पास रखेंगे, बस इतना ही आपको करना है। अब आई नो आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स उनके पास कैसे होते हैं? देखो ये मोबाइल फ़ोन जो है इसमें हमारा सब कुछ होता है आजकल, इसमें हमारे वो राज भी होते हैं जो हमने किसी के साथ शेयर नहीं किए होते हैं। जो भी हम करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, वो हमारे फ़ोन में होता है। मैंने आपको बार बार बोला है मॉड APKs यूज़ मत करो, GB WhatsApp पे मैंने वीडियो बनाई यूज़ मत करो, थर्ड पार्टी ऐप्स यूज़ मत करो। मैंने लास्ट टाइम एक अर्निंग ऐप का सोर्स कोड चेक किया और मैंने आपको बोला कि उसमें कोडिंग ऐसे की गई है कि वो आपका पूरा डेटा चोरी कर सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि इन ऐप्स पे ट्रस्ट मत करो। इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि किन किन ऐप्स की वजह से आपका डेटा लीक हो चुका है। कभी कभी हमारी गलती नहीं होती है लेकिन इन ऐप्स की डेटाबेस सिक्योर नहीं होती है जिसकी वजह से हमारा डेटा लीक होता है। ये वीडियो आप देख लेना, आप देखना आपके कौन से अकाउंट्स कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं और आप उन अकाउंट्स को सिक्योर कर सकते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में हमारी खुद की गलती की वजह से हमारा डेटा लीक होता है। अब आप अपने डिवाइस को और अपने डेटा को कैसे सिक्योर करोगे? हमारा डेटा कभी भी लीक नहीं होगा, क्या क्या करना है उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाऊंगा। यहाँ पे आजकल आपने देखा होगा फोटोज वायरल होती है, वीडियोस वायरल होती है सोशल मीडिया पे, उस चीज को लेके कुछ इंपॉर्टेंट बातें मुझे आपसे शेयर करनी है। देखो जब कोई वीडियो वायरल होती है सोशल मीडिया पे, उसको वायरल कौन करता है? ये स्कैमर्स नहीं, इनके पास कोई पावर नहीं है, उनके पास कोई फेक अकाउंट हो सकता है और उसकी रीच नहीं होगी। फिर इन वीडियोस को वायरल कौन करता है? हम, आप और मैं। देखो कोई वीडियो होती है, बहुत कम लोगों को पता होता है उसके बारे में, फिर क्या होता है, एक बंदा उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करता है, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाता है, थोड़ा सा सैड सा रोने की एक्टिंग करता है, बोलता है हमारी सोसाइटी में ये खराबी चल रही है, इसको रोको, अवेयरनेस स्प्रेड करो, इस वीडियो को शेयर करो। आपको पता नहीं होता है उस वीडियो के बारे में, आप वो वीडियो देखते हो और आपको पता चल जाता है। फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो, उनको भी पता नहीं होता है तब तक, वो भी वो वीडियो देखते हैं और उनको भी पता चल जाता है, फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं और ऐसे वो वीडियोस वायरल होते हैं। अब इसमें आम लोगों की गलती नहीं होती है, एक आम आदमी क्या करता है, वो दिन भर अपनी फैमिली के लिए काम करता है, फिर शाम को आता है सोशल मीडिया खोलता है रिलैक्स करने के लिए या कुछ न्यूज़ देखने के लिए, वहाँ पे वो देखता है कि ऐसे वीडियो में कोई एक बंदा बोल रहा है कि ये देखो हमारी सोसाइटी खराब हो गई है, हमें अवेयरनेस स्प्रेड करनी है, और वो बेचारे उस वीडियो को शेयर करते हैं। अब उनका कोई गलत इंटेंशन नहीं होता है, बिल्कुल जेन्युइन कंसर्न होता है, लेकिन उनकी उस मासूमियत का, उस फीलिंग का गलत फ़ायदा कौन उठाता है? सो कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर्स। वो अपने व्यूवर्स के लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए वीडियोस वायरल कर देते हैं, तब तक किसी को पता नहीं होता है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप कभी विक्टिम बन जाते हो या अगर आपका कोई अपना विक्टिम बन जाता है, जिस बंदे ने इनिशियली वो वीडियो लीक की होगी उसको बाद में देख लेना, लेकिन जिस बंदे ने सोशल मीडिया पे वो वीडियो अपलोड की होगी उसके खिलाफ पहले एक्शन लेना, उसके खिलाफ पहले FIR रजिस्टर करना और उसको पहले बंद करवाना है। अब आप बोलेंगे भाई वो तो वीडियो ब्लर करते हैं, चाहे वो वीडियो ब्लर करे या ना करे, उनका कोई हक नहीं है, ये इलीगल है, वो किसी भी विक्टिम का वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं उनकी इजाज़त के बगैर, और आप उनके खिलाफ FIR रजिस्टर कर सकते हो। IT एक्ट 2000 सेक्शन 66 और 67 के अंडर उनको 3 साल तक जेल और 10 लाख तक का फाइन हो सकता है। अगर मेरे साथ कभी ऐसा होता है, मैं स्कैमर को बाद में पकड़ूंगा, पहले उस बंदे को अंदर करवाऊंगा। और आपके लिए भी एक इंपॉर्टेंट बात है, मे बी आप जाने अनजाने में व्हाट्सएप पे कोई वीडियो शेयर करते हो, वो भी इलीगल है, सेक्शन 66-67 के अंडर आपको भी जेल हो सकती है। तो ऐसी वीडियोस व्हाट्सएप पे सर्कुलेट ना करें, ग्रुप्स में पोस्ट ना करें, और जो सो कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर्स चाहे कमेंट्री के लिए, न्यूज़ अपडेट के लिए वो वीडियो अपलोड करते हैं, उनकी वजह से आपको मेंटल टॉर्चर बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हो, उनको बंद करवा सकते हो। एक बंदा सोशल मीडिया पे अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए किसी बेचारे की गरीबी दिखाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी कोई फोटो या वीडियो कोई अपलोड करता है आपकी परमिशन के बगैर, तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप ये टॉर्चर बर्दाश्त ना करें, उनके खिलाफ आप एक्शन ले। ऐसे 2-3 बंदों को बंद करवाना है, आई थिंक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उनको बेल भी नहीं होगी। और मेरी अपनी पुलिस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक एग्जांपल सेट करें, बस 3 बंदों को अंदर करना है। जब 3 बंदे अंदर हो जाएंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी आगे किसी की वीडियो ऐसे अपलोड करने की, किसी की जिंदगी खराब करने की। फिर उनको पता चल जाएगा कि खुद के इंटरेस्ट के लिए किसी की जिंदगी खराब करना क्या होता है। मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है यहाँ पे किसी क्रिएटर के खिलाफ हेट स्प्रेड करने का, लेकिन
पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। देखो मेरी चैनल ही ऐसी है, मैं रोज़ एक ऐसी वीडियो ला सकता हूँ और उस पर कमेंट्री कर सकता हूँ, ना ही मुझे टॉपिक ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। बस एक वीडियो डाल दी यहाँ पे, थोड़ी सी कमेंट्री करूँगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड में सैड म्यूजिक लगाऊंगा और लोग शेयर भी करेंगे, मुझे फॉलोअर्स भी मिलेंगे और व्यूज़ भी मिलेंगे। बहुत आसान है ऐसे पैसे कमाना, लेकिन मेरा ज़मीर कभी इस चीज़ के लिए इजाज़त नहीं देगा। आई होप आपको मेरी मैसेज समझ आई होगी। आपकी क्या राय है, आपके क्या व्यूज़ है, कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना मेरे साथ। बाकी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो, लाइक तो आपने किया ही होगा, पेज को फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।